अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरूज टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसानुल्लाह ज़िया और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सीन ऑन है मेरी जान। नाज़रीन, फनकार पैदा करने के हवाले से तो पाकिस्तान का सीन शुरू से ही ऑन था। इस धरती, इस मुल्क पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे फनकार पैदा किए कि पूरी दुनिया के लोग दंग रह गए। नाज़रीन, ऐसे ही एक खूबसूरत सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अदाकारी में अपने जौहर दिखाए, गुलकारी में अपने जौहर दिखाए और बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स भी कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेघा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और मैं अरूज टीवी का और अहमद अली साहब का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज वक्त निकाला और मेरे सैलून पर आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सो नाइस टू सी यू अगेन। मेगा जी, एक बहुत बुनियादी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जी जी। कैसा रहा ये सफर? इन टू वर्ड्स जैसे आपने पूछा, मैं भी यही कहूँगी, Fantastic. Wow. और इस लफ्ज़ से आपको कुछ और भी याद आ गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। Fantastic team. Fantastic team. ये जो जबरदस्त सफर है ना, ये खुशियों से भी था, स्ट्रगल से भी था, परेशानियों से भी था, लेकिन यू नो जो फाइटर होता है ना, वो हर तरह के जो चैलेंजेस है उसका सामना करता है। सो मैंने हमेशा ये कहा है कि मेघा का मेघा से ही मुकाबला है, तो इस वजह से इस मुकाबले को हमेशा मैंने ही विन किया, क्योंकि खुद से लड़ना सबसे बड़ा मुकाबला। बेशक। सो आई एम वेरी मच हैप्पी और ब्लेस्ड कि मैंने जो चीज सोची वो मुझे मेरे अल्लाह ने हमेशा अता की, माँ बाप की दुआओं से, अपने फैंस के प्यार से, क्योंकि इनके बगैर तो हम नामुकम्मल हैं और इनका प्यार ही हमें आज इस मकाम पे लेकर आया है। सो मैं हमेशा कहती हूँ, लव यू माई फैंस। अच्छा मेघा जी, जैसा कि ऑडियंस जानती है कि आप वन मैन आर्मी हैं, एक्टिंग की बात का नाम नहीं लेना बगैर सोचे समझे। अच्छा मेघा जी, अगर बात की जाए एक्टिंग की, आपने बेहद नाम कमाया। बात की जाए सिंगिंग की, तो जैसा कि अभी रिसेंट में आप बिरोनी मुल्क भी जो है वो काफ़ी सारे शोज करके आई हैं, तो ये सफ़र अचानक से शुरू करने की क्या वजह थी? नहीं, अचानक से तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ और सब कुछ कहने के स्ट्रगल से हासिल होता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑनवर्ड 16 ईयर्स ऑनवर्ड्स आप पे काम कर करके, ज़ाहिर आपकी एक तबीयत होती है, तो उसमें इंसान चाहता है कि यार थोड़ा सा चेंज भी हो, चेंज हो। तो ऑनवर्ड्स डेली ड्रामा, डेली रिकॉर्डिंग्स, तो एक मैंने ना उसमें थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। उस ब्रेक के बाद फिर मैंने जब सोचा कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपने ऑडियंस को कुछ नया, कुछ नई वैरायटी के साथ सामने नजर आऊं, तो कहीं ना कहीं यू नो मैं चूंकि एक म्यूजिक माइंडेड आर्टिस्ट हूँ, परफॉर्म करती रही हूँ, तो कह लो कि म्यूजिक के जो सुर हैं वो मेरी रगों में बोलते हैं, सात सुर मेरी रगों में बोलते हैं। सो मैंने इसको फिर भी इजी नहीं लिया, मैंने इसको दो साल, कम से कम 2 से 2.5 साल मैंने इसकी पहले बकायदा ट्रेनिंग ली है, और वो भी मैं समझती हूँ कि अपने आप को बेहतर करने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक कि आप पब्लिक के सामने परफॉर्म करें और आपको कुछ हमारे पास ऐसी आजकल बहुत सी फीमेल की बात करूंगा, बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज में जाकर हमारा मजाक ही बनवाया है। देखिए, मैं ऐसा कभी किसी के साथ पर्सनल हुई नहीं हूँ और मुझे राइट भी नहीं है, लेकिन जब आप अपने मुल्क की बात करते हैं तो हम अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमें अपना दी बेस्ट देना तो जो कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे एक्टिंग हो चाहे सिंगिंग हो, बहुत मुश्किल काम है। और एक्टिंग का तो ये ना कि आप किसी का तासुर अपने अंदर ला कर तो आप एक्ट करते हो, जो आप होते नहीं, आप अपनी शख्सियत से डिनाई करते हो, और जो सिंगिंग है वो आपके अंदर से आती है, अंदर से आती है और वो आपका सच बताती है कि आप क्या हो, दिल से वो सुर जो है ना वो ताल छिड़ती है, वो तार बजते हैं तो वो सिंगिंग होती है। तो ऑब्वियसली मेरा किसी से मुकाबला नहीं, ना मैंने कहा कि मैंने फलाने के साथ मुकाबला लगाया और मैंने ये कहा कि नॉट एट ऑल, मैं अपनी जात को लेकर जो मुझसे दी बेस्ट बनता है मैं करती हूँ और मेरी ऑडियंस पसंद करती है। अच्छा मेघा जी, जैसा कि आपने स्टेज की दुनिया में भी बहुत नाम कमाया, तो उस टाइम में, उस वक्त में कोई एक ऐसा वाकया या हमारी स्टेज की बहुत सी ऐसी मारूफ शख्सियत है जिनके साथ आपने काम किया है? नहीं, मतलब वो वक्त, वो फिराउंडा वक्त से नहीं, नहीं वो वक्त गुजर चुका है, बहुत सारे लोग बिछड़ गए हैं, अमानुल्लाह साहब थे वो हमसे आज जुदा है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो हमारे प्यारे थे ना वो हमारे साथ नहीं है, और
बहुत प्यारा टाइम गुजरा उनके साथ, चाहे वो बब्बू बराल साहब थे, अमानुल्लाह साहब थे, अभी रिसेंटली तारिक टेडी और उमर शरीफ साहब, मतलब के ये वो खला है जो कभी बुर हो ही नहीं सकता। तो बड़ा जबरदस्त एक टाइम, मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे फनकारों के साथ काम करने का मौका मिला जो कि अपना फुटवर्क भी बताकर करते थे कि आपने ये मेजर्ड है आपके फुटवर्क और आपने ऐसे मूव करना। और उसका ये रिजल्ट हुआ कि मेरी एक मुनफरद पहचान बनी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अमानुल्लाह साहब के साथ आपको काम करने का कोई तजुर्बा? बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे तो उनके साथ आउट ऑफ कंट्री जाने का भी मौका मिला। यूके हम लोग गए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया और अमान साहब की जो नेचर थी ना, वो यही लगता था कि जैसे आपका भाई या आपका बाप या आपका जो वेल विशर है वो आपके साथ जा रहे हैं। और मैंने ऐसे ऐसी जगह पर उनको बड़ा पाया जहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े बनते थे और वो उनके सामने बोने नजर आए मुझे। What a man he was. Exactly. हर तरह से कोऑपरेट करते थे वो, और खास तौर पे फीमेल आर्टिस्टों को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी एक याद मैं आज भी बहुत सारी जगह पे कोट करती होती हूँ कि हम लोग गए शो के लिए, तो शो के बाद आपको पता है वहाँ पे जल्दी शो खत्म हो जाता है, तो हम लोग ना शॉपिंग मॉल में ना हमने कहा चले चलते कुछ चीजें वगैरह ले लेते हैं। तो हम पूरी टीम गए, तो आपको पता है तब स्लाइडिंग डोर्स नए नए यहाँ पर तो आप आए ना, वो जो सेंसर डोर है करीब जाओ तो खुल जाते हैं। तो हम लोग वो गए शॉपिंग मॉल में, तो तब अंदाजा नहीं था कि हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ऐसे खुल जाएगा। तो जैसे हम आगे गए तो अमान साहब थोड़ा आगे बढ़े तो दरवाजा खुला, तो वो कहते हैं जीते रहो। तो वो इतना आशीर्वाद देने वाली पर्सनालिटी थी कि उन्होंने एक शीशे को भी तकलीफ नहीं दी, उन्होंने उसको भी दुआ दी। और अमान साहब ने मुझे दुआ दी, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा वो लम्हा था जब उन्होंने कहा कि मेगा हमेशा काम तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम काम के पीछे नहीं भागोगी, तुम इतनी अच्छी शख्सियत और इतनी अच्छी इंसान। बहुत बड़ी बात है। और पीटीवी के प्रोग्राम में सच तो यही है, जो कि पीटीवी का एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम था, जब ये डांसेस पर बहुत ज़्यादा बातें होती थी और कुछ लोगों की वजह से डांस इस हाल को भी पहुँचा, बदनाम भी हुआ, तो जब इस पर बैन लगाया गया तो मेरे लिए फिर एक बड़ी बात उन्होंने बोल दी मुझ मेरी तरफ मेंशन करके, क्योंकि उस पैनल में मैं थी, अमान साहब थे और दो तीन और काबिले कदर शख्सियत बैठी हुई थी, डांसेस के हवाले से बात हो रही थी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अमान साहब ने कहा कि जैसा रक्स मेघा करती है ना, हमें इस रक्स पे कोई एतराज नहीं है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। मेघा जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आजकल की लड़के लड़कियाँ, मतलब आप तो बहुत सीनियर हैं, जो जूनियर लड़के लड़कियाँ नन्हे मुन्ने बच्चियाँ बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, आपको जो आजकल के समझदार बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको देख कर आपको क्या लगता है कि वो काम को लेकर यूँ आगे चल पाएंगे या नहीं? ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन ही दूंगी। और जो आजकल के हमारे यंग जनरेशन है वो तो इतनी समझदार हो के अपने घर से निकली है ना कि अल्लाह ही अल्लाह है, कि उनको तो कोई बात आप ना समझा सकते हैं और ना आप उनसे कोई बात कर सकते हैं। वो इसलिए कि सोशल मीडिया का मुंह इतना खुल गया हुआ है कि अगर आप किसी को उसकी अच्छाई में भी कहते हैं ना कि यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लो, तो वो पता नहीं फिर कहाँ से शुरू और पर्सनल ले जाते हैं, मतलब वो कहाँ खत्म करते हैं। तो इस वक्त तो वो दौर आ गया कि भाई आप अपनी इज्जत बचाओ, और वो मशवरा जो आपके गले पड़ जाए उससे आप सबसे पहले खुद परहेज करें। बिल्कुल। अच्छा मेघा जी, बात हो रही है शोबिज की, लेकिन मैं रुख जरा तब्दील करना चाहूंगा, सियासत से कितना लगाव है आपको? सियासत से मुझे उतना ही लगाव है जितना एक हर पाकिस्तानी को होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से प्यार है और मुझे अपने मुल्क को बहुत ऊपर जाते हुए देखना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा मुल्क उन मुल्कों में स्टैंड करे जिनको कहते हैं हम तरक्की याफ्ता। हमें हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? बिल्कुल। कि ऐसी चोल नहीं खांदे, कि ऐसी कणक नहीं खांदे। लोग कहते हैं कि अच्छे लीडर्स की कमी है, आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है, हमारे यहाँ शौर की कमी है। जब तक आप अपने आप को तालीम याफ्ता नहीं करेंगे, मैं किस हर कौम की बात करती हूँ, आप अगर आज सिविलाइज्ड मुल्कों की बात करते हैं तो वहाँ पर आप एजुकेशन का लिटरेसी रेट चेक करें,
और हमारे यहाँ एक ही रेट चल रहा है, वाकई वड्डा शवारमा 60 रुपए का, आज भी 60 रुपए रहा है। अच्छा मेगा जी, आप किस पार्टी को वोट देती हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं? देखिए मैं हर उस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ जो पाकिस्तान की बात करे, और मैं चाहती हूँ कि तो सियासी बयान है मेगा जी, तो मैं अब सियासी बयान इसलिए कि हर किसी के क्रेडिट में कुछ ना कुछ है। मैं उसको कैसे डिनाय करूं? वोट किसको दिया आपने? देखिए मैंने जो इससे पहले हुआ था इलेक्शन तो नून लीग को दिया था, और अब जो इलेक्शन हुए थे मैंने पीटीआई को वोट दिया था। देखिए मैं तो एक सच्ची खातून हूँ, सच्ची, वाकई ये इन्होंने सच्चाई की हद पार कर दी है, मुझे दोनों तरफ बैलेंस रखा है, प्यार है, हमें मौका देना चाहिए। बिल्कुल। और मौके के बाद, और जो मौके पे चौका लगाते हैं ना हीरो वो बनता है। देखिए मियां दादी का आज भी छिक्का याद है, छिक्का याद है, वो शारजा में लगा था। बिल्कुल। तो शाहिद अफरीदी साहब का छिक्का जो इंडिया में लगा था वो याद है। तो ये जो मौके पे चौका होता है ना, मैं कहती हूँ ये कोई आके मार दे और हमारे मुल्क को बूम बूम ले जाए, ऊपर तक ले जाए। ख्वाहिश यही है कोई भी आ जाए हमारे मुल्क के साथ, सिंसियर आ जाए। अच्छा नाजरीन, आप सब मेगा जी को शोबिज में तो अच्छे से जानते हैं, इसके अलावा भी जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको इस बात का नहीं पता होगा कि ये पर्सनली एक ब्यूटी सैलून भी रन कर रही हैं जो कि लाहौर इकबाल टाउन में है। मेगा जी ये ख्याल कैसे आया आपको? ख्याल कैसे आया, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मेरा वाकई कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि मैं एक बिजनेस को रन करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बिजी हूं अपनी एक्टिविटीज के साथ। लेकिन मेरी फैमिली का एक तो शौक था, मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि और आपको पता सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, उनका शौक था कि आप सैलून रन करेंगे, बिजनेस करें, दोनों बिजनेस भी करें तो सैलून का, क्योंकि देखिए जब नाम मेरा होगा तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज की हमारी जो खवातीन है वो सवरना भी चाहती हैं, वो प्यारी भी लगना चाहती हैं। सो हमने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हमने उनको एक्नॉलेज भी करवाया है कि आप इस तरह ये काम करें, और आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपने जो खास तौर पे मेरी बहनें हैं उनको ये बात कहूंगी कि जो खवातीन, जो मेरी बहनें जो अफोर्ड नहीं कर सकती पॉलर का काम सीखना, वो आए, हम उनको एजुकेट करेंगे, हम उनको काम सिखाएंगे बगैर एक रुपए खर्चे। हाँ, मगर शर्त जो अफोर्ड नहीं कर सकती, ताकि मेरी जो खवातीन हैं, मेरी बहनें, वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके, हम उनको मौका फराहम करते हैं। मेगा ब्यूटी सैलून एंड कॉस्मेटिक्स उनको ये अपॉर्चुनिटी देता है। क्या बात है मेगा जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जी तो नाजरीन, मेगा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हल्का फुल्का हंसी मजाक भी चल रहा है, इसको मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक मेगा जी, आपसे एक गैर जरूरी सवाल करना चाहता हूँ। बस पानी पियो तो जाओ। मेरे को इतना टाइम लेगा कि मैं गैर जरूरी बातों का जवाब दूं? नहीं, वो मतलब आपकी जाती जिंदगी से मुतल्लिका है। हाँ जी बता। हाँ। तो मेगा जी जाती ना हो? नहीं होती। अच्छा मेरा आपसे सवाल है कि एक मतलब शोबिज कैरियर का सफर तय करते करते आप एक उरूज पे पहुंची, बुलंदियों पे, वहां से जब आपने अपने बिजनेस की तरफ टर्नओवर किया, तो जैसा कि स्टार्स होते हैं ना कि उनका जनरल पब्लिक के साथ कुछ ज्यादा मेल मुलाकात नहीं होती, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि जनरल पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व हो गई जी। तो वो जब स्टार्ट किया तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, लोग आते थे किस तरह रिएक्ट करते थे, कैसा लगा वो? सबसे पहले मैंने बुटीक स्टार्ट की थी, मेरी बरकत मार्केट इधर लाहौर में बड़ा एक ट्रेंड सा मैंने आउटलेट बनाया था मेगास कलेक्शंस के नाम से, बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस रहा। बट इन बिटवीन आपको पता है वो कलमा चौक अंडरपास बनना शुरू हो गया, थोड़ा सा मुझे ऑफ करना पड़ा। पब्लिक के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जहाँ तक एक फेम का फायदा होता है ना, एक फेम का नुकसान भी होता है। बिल्कुल। तो वो बहुत सारी चीजें फिर हम यहाँ पब्लिकली नहीं बता सकते, क्योंकि समटाइम आपका मूड नहीं होता। बिल्कुल। आप मतलब ज्यादा, लेकिन आपको पता है बंदा अपनी टेंशन में होता है किसी में, वो फैन को तो नहीं पता ना, नहीं कि आपके इनर क्या चीज चल रही है, या किस चीज से लड़ रहे हैं, या बीमार है, या आपके सर में दर्द है, व्हाटएवर,
उसको डैम केयर है, उसको यह कि हम मेगा से मिल रहे हैं, मेगा से मिल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, हमने सेल्फी लेनी है या वीडियो बनानी है, वट एवर, सो वो अपनी जगह पर राइट है. अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हमेशा रहते हैं, लेकिन इन अ पॉलर फील्ड हमारी बहनों ने बहुत प्यार किया. और जब मैं उनका प्यार देखती हूँ, और फिर आज ना चूंकि सोशल मीडिया का एक बड़ा दौर है, बिल्कुल हर बंदा चाहता है कि हम मेगा जी के साथ एक वीडियो बनाए, एक वीडियो बनाए, एक टिकटॉक वीडियो, एक टिकटॉक बनाए बस. और अक्सर वो ये कहते हैं आप हमारे टिकटॉक बनाएंगे, अच्छा आप हमेशा वीडियो, बिल्कुल मेगा जी आपकी बात माजा चाहता हूँ, टोक रहा हूँ, यहीं से मुझे याद आया कि माशाल्लाह से आपके भी टिकटॉक पे 2 मिलियन फॉलोअर हैं. हाँ जी बस अभी हुए हैं, बहुत तरले कितने लेकिन लेकिन बड़े कम टाइम में हुए, वो जरूरी चीज है. लेकिन मेगा जी टिकटॉक की तरफ से भी इतना भरपूर रिस्पॉन्स. और मैं आपको ये बात बताऊँ कि मेरा कॉन्टेंट जो है ना टिकटॉक पे जस्ट और जस्ट फनी और खुशियां भी घेरने वाला कंटेंट है. तो मैं ही समझती हूँ कि ये एक मुझे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है टिकटॉक की शक्ल में, या कोई भी सोशल मीडिया हो, कि आप लोगों को किस तरह से एंटरटेन कर सकते हैं, उनको खुशी प्रोवाइड कर सकते हैं. बिल्कुल. तो कहते हैं ना अल्लाह ताला की ज़ात भी फरमाते हैं कि अगर तुमने एक इंसान को खुश किया तो तुमने पूरी इंसानियत को खुश कर दिया. तो वो इतनी इतनी दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे, आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती, आमीन. मतलब कि मैं कहती हूँ कि ये वो दुआएं हैं जो आप करोड़ों खर्च के भी नहीं मिल कमा सकते, ये वो कमाई. तो मैं समझती हूँ कि हमें तो सोशल मीडिया का जहाँ एक तरफ नुकसान भी है क्रिटिसिज्म की सूरत में, उसका फायदा ट्रिपल है. तो ट्रिपल मुझे ये बुरा नहीं लगता. तो थैंक यू, फॉलो जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. मेरा जितना भी सोशल मीडिया है वो मेघा जी ऑफिशियल के नाम से है, और अभी मैंने रिसेंटली एक नया यूट्यूब चैनल भी बनाया है मेघा स्टूडियो 1 के नाम से, जो कि एक न्यू है. तो उसको भी अल्लाह का वास्ता जरूर. अच्छा मेघा जी, मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ. कभी भेजा तो नहीं था, मेरा दिल कर रहा था. कोई बात नहीं. कभी ऐसा हुआ हो कि कोई खातून जी, जिनको पता ना हो, मिसाल के तौर पे कि आपके साथ कोई हमसाए हैं, उनके घर कोई मेहमान आया, उन्होंने कहा है कि ये पास ही सैलून है, हमने कहीं जाना है तो वहां से जाके तैयार होते हैं, वो खातून उनके साथ आ गई. आने के बाद जब अचानक वो सैलून में इंटर हुई, उन्होंने आपको देखा, और कभी उनको शौक लगा हो कि हाय आता मेघा जी, ऐसा कुछ हुआ? लिटरली मैं आपको परसों की बात बताती हूँ कि दो खवातीन आई हैं और वो पहले से बुक करवा के गई हुई हैं, बल्कि उनका ना 2 दिन बाद, पता नहीं कब आप लोग ऑनलाइन करेंगे, 2 दिन बाद उनका ना हमारे पास 8 मेकअप बुक है, पार्टी मेकअप ना, उनकी है मंगनी की कोई इवेंट. तो वो जानती तो थी पार्लर मेरा है, लेकिन उनको हाँ. पता नहीं था कि मैंने आगे से नाजल हो जाना. Exactly, कि आप यहाँ पर मौजूद भी है या नहीं. मौजूद हूँ. तो आप यकीन करो उस मेरी बहन ने मुझे कोई 8 बजे जपियां पाई. मैं कहती हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा, कभी अच्छा चूंटी मैं पहना पड़े, उसने करके देखा हो कि हाय मेघा जी. तो ये प्यार देखे ना, मुझे प्यार भी आता है. और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ यार, वरना हमें कोई खास बात नहीं, आप भी एक नॉर्मल इंसान ही है, जैसे वो मेरी बहन है वैसे मैं भी हूँ. लेकिन ये अल्लाह ताला ने हमें खसूसियत दी है कि वो हमें देख के खुश होती है. बिल्कुल. और हमारी स्ट्रगल रंग लाई है, रंग लाई अल्हम्दुलिल्लाह. मेघा जी, जैसा कि आप एक जानी मानी शख्सियत है, मैं ये जाती तौर पर कहता हूँ, इसका मजाक ना उड़ाइएगा, एक ऐसा वाक्या आपके किसी कोलीग यानी कि जितने भी मशहूर मारूफ फनकार आपके साथ काम कर चुके हैं, कोई एक ऐसा वाक्या किसी का कुछ याद रह गया हो, कुछ हंसी मजाक वाला या कुछ इस तरह का? असल में जब हम शूटिंग पे इकट्ठे होते हैं ना तो वो वाक्यात ही होते हैं. बिल्कुल. मुख्तलिफ चीजें, कभी को हादसा भी हो जाता है. पहले मैं आपको हादसे की बात बताती हूँ. अल्लाह रहम करे. उसमें मेरी जान, क्यों कॉमेडी तो हमने काफी कर ली ना, तो आपको बताऊं कि हादसे ऐसे जैसे बताएं बताएं. मैंने खुद हाफिज हो जाना था, मेरी फिल्म का वाइंडअप चल रहा था रानो फड्डेबाज, उसका नाम दोबारा बताइएगा. रानो फड्डेबाज. तो बल्कि ये मौजूद भी है फिल्म यूट्यूब पे, आप इसको जरूर देखिएगा. बुखारी साहब इसके डायरेक्टर थे. तो जनाब वो लास्ट में ना बड़े बम शम बांध के ना, तो वो एंटर होती हूँ मैं. अच्छा. और मैंने सोचा भाई रूटीन का ही होगा, लेकिन वो बैग पे ना आग भी उन्होंने बहुत ज्यादा जलाई हुई थी. तो वो मैंने उस आग से निकल के ना, तो आगे जाकर ना उसमें पंप वगैरह ना वो करती, यानी कि पहले आप धमाके कर चुकी हैं, आगे मजीद करने हैं. हाँ, लेकिन वो धमाका उठा पे ऐसा होना था कि मेरा अपना इतरा निकल गया. अच्छा. वो उस आग में ना मैं थोड़ी सी इस तरह उलझ गई कि मुझे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं निकला. वो एकदम भड़क गई ना, आपको पता है पुरानी लकड़ियां होती हैं, पुराने सेट लगे होते हैं. तो अल्लाह ताला ने वो मेरी जान बचाई. उसके बाद
हम लोग बैंकॉक गए हुए थे शूटिंग के लिए नखरा गोरी दादी, तो वहां पर भी वाइंड अप ज्यादातर ये क्योंकि मारधाड़ वाला सीन आपको पता है वाइंड अप वाइंड अप होते हैं, तो इकबाल कश्मीरी साहब ने वाइंड अप चल रहा था, रीमा जी का, बाबर जी, मैं, इस्माइल तारा साहब, ये सारे हम इकट्ठे थे। इस्माइल तारा साहब आप बिल्कुल बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, चाहूंगी कि जो हमारे चले गए कुली गल्ला उनको जन्नत में जगह थे, फाइन आदमी थे। तो हम लोग सारे ना वाइंड अप शूट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं अंदाजा था कि हम जहाँ पर खड़े हैं, मैं दो स्टेप पीछे जाऊंगी तो खाई भी है, वो इस टाइप की वो मतलब वो हम वो लोकेशन इस तरह से थी, लोकेशन थी, हम छुपे हुए ना क्यों फायरिंग हो रही है, डस डस डस, बस वो भी बस यही था कि अल्लाह ने हाथ दे के मुझे रोका कि अगर वो एक स्टेप पीछे में आती, यानी कि थोड़ा सा ही आसरा हुआ। एक्साइटमेंट इतनी होती है इंसान काम करते हुए कि, और फनकार जो जुनूनी होता है ना बिल्कुल वो नहीं देखता, वो नहीं देखता कि मुझे चोट लग रही है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। हम लोग बहुत ज्यादा रिस्की शॉट्स है जिसको स्टंटमैन करते हैं बिल्कुल, वो हम खुद कहते थे हमने। अच्छा, ये उस टाइम में ये जो रिस्की शॉट्स हैं इनमें कुछ सेफ्टी वगैरह नहीं यूज करवाई जाती थी? चोटें लग होती थी सेफ्टी, लेकिन आपको संभव हादसा किसका नाम होता है बिल्कुल, जो अचानक से हो जाए, आपकी ग्रिप नहीं है, ग्रिप नहीं है। और ये जो इस तरह के सीन्स होते हैं उसमें आपको ये करना पड़ता है। कभी एक छोटी सी मिसाल है कि दो आर्टिस्ट का झगड़ा हुआ है तो आपने थप्पड़ मारा है, तो सम टाइम तो हम कहते हैं ना माइम कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी कभी ओरिजिनल भी लग जाता है। मेरे शब्द चीमा साहब ने जितने आए आए ना, मुझे वो याद आ गया कि किस कदर वो ऐसे पकड़ते थे ना कि वो उनके हाथ में फिर मार दी। पहली बार ये कब हुआ वो बताइए। ये मुख्तलिफ शूटिंग्स के दौरान हुआ है ना, ये मैंने आपको नखरा गोरिदा की बात बताई है, फिर मैंने आपको अपनी फिल्म रानो खड्डेबाज की बात बताई है, फिर एक दफा हमारा एक फिल्म में करी थी दुपट्टा, उसमें आरफ लोहार साहब मेरे मद्दे मुकाबले थे। अच्छा। वो आरफ लोहार साहब की मेरा खाना दूसरी या तीसरी मूवी थी, तो उसमें ना घोड़े पर हम लोगों ने बैठना था, तो कहाँ एक सवारी बैठती है कहाँ दो बैठ गए, वो घोड़ा साहब इधर थे उनको बोरा लग गया, तो जानवर से तो आप नहीं लड़ सकते ना बिल्कुल, तो बड़े ऐसे हादसात होते हैं, बस अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। जी तो नाज़रीन, चटपटी गुफ्तगु के दरमियान एक बार फिर से वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं। वेलकम बैक टू सीन ऑन है मेरी जान। मेघा जी, अभी आपने हमें एक ऐसा वाकया सुनाया जिसमें के बारे में तो नहीं सुनाए, काफी सुनाए हैं। एक ऐसा था जिसमें आपकी जान जाती जाती बस गई। दो थे। नहीं, एक आग में फंसी। मेघा जी, आग आपका कुछ नहीं कर सकती, यकीन करें, आग आपका कुछ नहीं कर सकती, वो मुझे यकीन है, मैं खुद आग हूं जी, कोई शक नहीं है। अच्छा मेघा जी, को ये एक ना कोई फनी और कॉमेडी मतलब कुछ ऐसा एक वाकया हुआ हो कि कभी आप यूं बैठी हो यूं करके तो आप सोच के हंस पड़े? हाँ, ऐसा हुआ है। मैं ना मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा कर रही थी, और वो ड्रामे का नाम था नागिन, और आपको पता है नागिन तो फिर टाइटल रोल, और ऑब्वियसली वो नागिन होगी, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि उसमें तो ये होता है ना सीन के ये की और ये निकल आया स्टेज पे, तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गाइस कि आप ऐसे जाओ और सांप ऐसे आ जाओ, तो आप भी उधर और सांप भी उधर, तो अब मैं टाइटल रोल कर रही हूँ और मुझे जाहिर बात है खौफ भी था। तो अब वो जब कसवर हैदरी साहब ना बड़े अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं, मुल्तान से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उनको ना पीछे बड़ी रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा कसवर हैदरी साहब प्लीज आप में ज्यादा मेरे करीब नहीं आना, क्योंकि वो सांप उन्होंने ना बाजू पे लपेटा वो सपेरा टाइप बन के है, और उन्होंने वो पटारियों में भी बेतहाशा सांप रखे हुए थे, एक हादसा आगे हो रहा था, एक पीछे हो रहा था पीछे भी एक पटारी खुली पड़ी हुई थी। मैं कहती मुझे तो लगता है आपकी सारी जिंदगी हादसात के दरमियान गुजर गई है, सारी जिंदगी काम ही तो किया है, काम किया है बेशक, मुआ बन गया ना बिल्कुल, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, तो जो हंसी वाला मोमेंट है सामने 700-800 बंदा बैठा हुआ है, आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, अब आप ना राइट जा सकते हैं ना लेफ्ट जा सकते हैं, और मैं पीछे उनको बड़े तकलीद करके आई हूँ कि आपने ज्यादा मेरे पास नहीं आना। अब वो भी माशाल्लाह इतने कह ले के वो एनर्जेटिक आर्टिस्ट है कि वो भूल गए शायद कि मैं पीछे की है, तो जनाब जी उन्होंने ना अपनी लाइन में नागिन तुम्हें मैं आज कैद कर लूंगा, तो वो सीन ये था कि मैं होती हूँ तो वो सांप निकल आता है। अच्छा। और ऑलरेडी उन्होंने सांप लपेटा होता है, अब वो करीब आ रहा है तो मैं खिसक रही शुरू कर दिया, तो वो ऑडियंस बोल रही नागिन डर लग रही
नागन तो बचाना चाह रही है, नागन की इज्जत का कचरा हो गया हो गया बिल्कुल। तो ये बड़ा खौफनाक वाक्य है बिजली के, अगर सांप भाई खुल जाए तो सांप पे बिल्कुल उसको क्या पता है। अच्छा ये पहली बार था कि आपने सांप को अपने यूं जिस्म पे जो है वो लपेटा था? मैं तो कभी जरूरत भी ना करूं, वो कसरत हैदरी साहब ने लपेटा हुआ था। उन्होंने लपेटा, आपको डर नहीं लगा? डरी तो वो, तो वो सामने से आवाजें लगा रहे थे ना। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो डर बैक स्टेज होगा, ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ शानदार। नहीं, वो ऑन द स्टेज ही बिस्ती थी। यकीन करें नाजरीन इतनी, लेकिन मुझे मंजूर है भाई वो सांप से। नाजरीन मेगा जी की साफ गोई का कोई मुकाबला नहीं है, ये बात आप भी समझ गए होंगे। नहीं नहीं भाई नहीं, आपने देखा नहीं वो चिड़िया घर में वो कैद, कभी बंदर कभी रिच्छू, ऐसे चपड़ते हैं लोग आगे आगे जाते हैं, तो भाई वो तो जानवर है उसका क्या है। कई बार बांदर फाड़ भी लेता है। हाँ जी, फिर वो दिखने का नाच भी जाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो बस ये दिस इज लाइफ, और हमारी जिंदगी जो है वो हाथ साथ खुशगवार भी ना खुशगवार भी उससे भरी पड़ी है, उससे भरी पड़ी। इवन अपॉलन में बड़े बड़े जीवों के लतीफे हो जाते हैं। किस तरह, कोई एक बताए मतलब? बस खवातीन आपस में ही हो जाती है, देखा मुझा प्यार किया, मैंने भी अच्छा प्यार किया, तो बस। आप तक ये शिकवा कभी पहुंचा है? मेरे तक दो बार पहुंचा है। आपने क्या एक्शन लिया उसका? बस मैंने ये कहा अगली दफा आ जाए हम आपको सर्विसेज फ्री दे देंगे। हम ये कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? ये आपका बड़ा पन है, कोई नहीं सर्विस फ्री देता आज के दौर में, वो भी सलून के बिजनेस में कोई सर्विस नहीं देता फ्री। क्योंकि नाम मेरा यूज करता है मेगा जी, देखे अब जो आपका नाम सुन के आए, तो सारी बात है स्टाफ काम करता है, वो भी एक इंसान है, गलती हर एक से हो जाती है। बिल्कुल, सो इसमें कोई बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा मेगा जी, इतनी मजेदार बातों के बाद एक सवाल, कभी अगर आप फ्लैशबैक करती हैं अपनी जिंदगी को, तो कोई एक ऐसी कमी नजर आती है कि मेघा मतलब मैं ये काश कर लेती, या कुछ ऐसा रह गया हो जो आप ना कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं क्योंकि अपनी स्टडी, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव स्टार्टेड दिस जॉब, मैंने एडमिशन लिया हुआ था एमए इंग्लिश में, और अच्छा। मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी, वो फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई, तो वो जरूर अगर आज आपने पूछ ही लिया तो बता दूंगी। ये देखे आज इस शो की वजह से ये बात पता चल रही है, लेकिन मैं बताती हूँ, सबको बताती हूँ, लोगों को पता है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं एक पढ़ी लिखी आर्टिस्ट हूँ, और वो मेरी बात पे यकीन करते हैं, और इस वजह से मुझे कभी ऐसा कभी एम्बैरेसमेंट हुई भी नहीं है। सो ये एक चीज रह गई है, अगर उस वक्त मैं कर लेती तो शायद आज मैं मेघा ना होती, आज मैं एक सीएसपी ऑफिसर शहनाज कमर होती। अच्छा अब तो मेगा जी बन चुकी हैं, अब कंटिन्यू कर लें सीएसएस? नहीं वो तो अब नहीं हो सकता ना, सारी बात आपकी स्पीड ही नहीं रहती। एग्जैक्टली, आपकी वो आपको एक वो जो एनर्जी थी वो आपने शोबिज़ में लगा दी, आप एक मोमेंटम के साथ कर रहे होते हो ना। मैं कहती हूँ आप एक काम 10 दिन छोड़ दो, आपका 11वें दिन करने को दिल नहीं करता, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज है कि मैं समझती हूँ कि आपको किसी ना किसी सेंस में साथ जुड़े रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी फ्यूचर में, ये सब तो नहीं लेकिन चले कुछ और अपने मुताले के लिए कि मुझे नॉलेज मिले ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब जो तालीम है वो नॉलेज गेन करने के लिए हो सकती है। एग्जैक्टली, मैं आपको नसीम शाह कैसे लगते हैं आपको, पसंद है? बहुत यंग हमारे क्रिकेटर उभर कर आए हैं, और माशाल्लाह उन्होंने वो एक मैच में तो बहुत ही आला कारकर्दगी का मैच था जिसमें उन्होंने वो सिक्सेस वगैरह वो सिक्सेस लगाए थे। एग्जैक्टली, वो मोमेंट जो था ना, मैं कहती हूं हम लोग भी भूले। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा आपका मौका पीएसएल ने दिया है, मौका पीएसएल ने दिया, ये मौका पीएसएल, अभी दोबारा पीएसएल हो रहा है ना, वो तो पिछले पीएसएल की बात है, और इस बार भी बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अनफॉर्चूनेटली क्योंकि मेरा काम इतना ज्यादा हो गया कि मैं कोई भी मैच ना प्रॉपर देख नहीं सकी, लेकिन खबरों से मुझे पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, सो यू नो कि मैं हर चीज से। एग्जैक्टली। अच्छा आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है क्रिकेट में? पीएसएल के दिन चल रहे हैं, पीएसएल पे बात करते हैं, सॉरी आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? भाई लाहौर कलंदर से, लाहौर कलंदर किसी कौन कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है, आपने देखा जमे ही नहीं, और जमे ही नहीं, हां जी ठीक है, लाहौर तो ऑब्वियसली लाहौर। लाहौर कलंदर में सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है आपका?
अच्छा अब मैं सच्ची बताऊं, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि लाहौर कलंदर में खेल कौन है, लेकिन मुझे टीम बहुत पसंद है। अच्छा है ना, इस बार मैंने एक मैच भी नहीं देखा और मुझे नहीं पता, बट आई सपोर्ट लाहौर कलंदर। जी तो नाजरीन, PSL पे बात हो रही है मेगा जी से, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जल्द ही वापस आते हैं और इस पे कुछ और भी बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो मेगा जी। अभी PSL का जो सीजन 6 गुजरा है उसमें आपने PSL के लिए एक गाना किया था जो कि काफी हिट भी रहा है, तो और आजकल एक बहुत ही मशहूर मारूफ बहुत बड़े गुलूकार चाहत फतेह अली खान साहब, वो भी मार्केट में इन, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने आपसे अच्छा गाया? जी, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, मैं मानती हूँ। नहीं, ये तो आप तारीफ कर रही हैं ना, मैं तज़िया चाहता हूँ। वो इसलिए कि मैं कहती हूँ वो कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हर बंदा कोशिश कर रहा है, राइट नहीं किसी को क्रिटिसाइज करना। आपको पसंद आया उनका एक अंदाज? अगर हम देखें ना तो मैं समझती हूँ कि लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन हुए हैं, देखकर लोग खुश हुए हैं और लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए हैं। मैं कहती हूँ उन्होंने एक ये टेंशन के माहौल में लोगों को एक रिलीफ दिया है। देखिए, गाना ऐसे हर बंदे के बस की बात नहीं है, बिल्कुल। मैं ये खुद कहती हूँ कि मुझे इतनी जरूर तमीज है कि मुझे सुर लय का पता है, बट मुझे कोई राग दरबारी नहीं गाने, मुझे ठुमरियां नहीं गानी, बट आई नो माई जॉन्डर कि मैंने किस में इसको कवर करना है। तो उन्होंने जो जॉन्डर लोगों को दिखाया है वो बस वो लोगों को पसंद आया और उन्होंने क्लेम भी किया, उन्होंने कहा कि ये PSL का एंथम इन्हें मुझसे करवाना चाहिए था, अली जफर या जो यंगस्टर्स हैं ये कुछ नहीं है। देखिए, उनकी चाहत है, उनकी चाहत है माशाल्लाह। अच्छा, आपने वैसे वो सुना है उनका जो PSL एंथम आया? जी मैंने सुना है। एंथम तो ना करो, नहीं मैं बता चुके थे उनके बकौल ये PSL एंथम है, मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता और अभी आप वो गुनगुनाने वाले हैं। मैं बिल्कुल वो नहीं मेगा जी, चाहत फतेह अली खान साहब वो देखिए एक फनकार है, फनकार के मुंह से जब वो अपने अल्फाज सुनेंगे ना तो उनकी रूह खुश हो जाएगी, उनके खानदान की रूह खुश हो जाएगी। प्लीज, जिसका काम उसी को सजे, आप मुझसे मेरे गानों की डिमांड करें, मैं आपको अपने अपने गाने सुनाने को तैयार हूँ। जो मेरा PSL का सॉन्ग था मैं आपको उसके दो बोल दो लाइनें सुना देती हूँ और चाहत से माफी मांग के, बड़ी चाहत से पायन मेरे लिए माजरत, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और मैंने हमेशा लोगों को सपोर्ट किया है, उनको आगे आने का मौका दिए, तो आप अपने तौर पर बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सो कीप इट अप, कीप इट अप। आज क्रिकेट का मेला सजेगा, ओ आज छक्के पे छक्का लगेगा, सीटी बजेगी खेल जमेगा, भंगड़े डाल के सुर और ताल से खुशियों से देश मेरा हंसेगा। PSL का मेला सजेगा, आज क्रिकेट का मेला सजेगा, ओ आज छक्के पे नाजरीन, मेगा जी के साथ बात करते हुए बात ख़त्म करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उनके पास टाइम कम है, हमारे पास बहुत टाइम है और बहुत शुक्रिया इनके कीमती वक्त के लिए। लेकिन प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो आने वाली जनरेशन है, अब माइंड ना कीजिएगा, मतलब जो बिल्कुल अभी आने वाली है, मुझसे भी पीछे आने वाली है, उसको कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आप? नहीं, अभी मतलब वो जब थोड़ा सा काम में इन होंगे, उन्हें ठोकर लगेगी तो वो एहसास होगा ना उन्हें कुछ आपकी बात सुनकर। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो आज से 15 साल पहले का जो एक टाइम था वो बड़ा सिंपल सा था कि आपने जस्ट जाना है मूवी पे तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, शूटिंग करनी है, ड्रामे पे जाना है तो रिकॉर्डिंग करनी है, किसी प्रोग्राम में जाना है तो इवेंट कवर करना है। अब माशाल्लाह इतनी फैसिलिटीज आ गई हुई है हमारे न्यू जनरेशन के पास के सबसे पहले जाते तो वो लाइव आते हैं,
Exactly. ठीक है, हर बंदा खुद कैमरामैन बन गया, खुद कैमरामैन है, हर बंदा खुद डायरेक्टर बन गया, हर बंदा खुद एक्टर बन गया, एक्ट्रेस बन गया. तो मीन टू से कि माशाल्लाह हमारे जनरेशन ने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को प्रमोट किया है. आई अप्रिशिएट दैट. लेकिन फिर भी आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बे उस्तादा होता है ना, उसका वो नामकाम नहीं होता जो आप एक इंस्टीट्यूट से सीखकर चीजें आते हैं. जाहिर बात है, आपकी डिग्री को ऑनर किया जाता है तो आप रिकॉग्नाइज होते हैं ना कि आप फलाने इदारे से आए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, ये फलान का शागिर्द है, ये फलान का शागिर्द है, किसी ऑथेंटिक बंदे से आपको डिग्री मिली हो, डिग्री मिली. सो आप जरूर सीख कर आए, बढ़ कर आए और नॉलेज लेकर आए. तो व्हाई नॉट, दुनिया आपकी है, तस्खीर करें. बिल्कुल. और नाज़रीन, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इनसे गुफ्तगू करने के बाद जो सबसे एक बड़ी चीज़ मैंने मैगजीन के अंदर देखी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव है आप, यकीन करें. लेकिन इस सेंस में मेरा ब्लड ग्रुप और नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव हूँ? नहीं, आप भी बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, बट आप मेरे साथ बैठे हैं इसलिए मेरी पॉजिटिविटी का आप पर असर. एग्जैक्टली, जैसा कि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. एग्जैक्टली. सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया, ठीक है, और मेरे साथ आप लोगों ने बहुत प्यार किया. सो थैंक यू सो मच, आप आए, और अनुज टीवी आपका एक दफा फिर बेहद शुक्रिया, एहसान आपका बेहद शुक्रिया. ये काम मेरा था जो आप कर रही है. अच्छा, नहीं अभी मैं वाइंड अप नहीं कर रहा, जाने से पहले एक बात और जी. आप अपने ये जो आपका सैलून है, मेगा ब्यूटी सैलून एंड कॉस्मेटिक्स, कुछ प्रोडक्ट्स भी होंगे आपके पास, आगे यहाँ पर आगे ऐसा इरादा रखते हैं, ऑडियंस को जरा ना एक वो फ्लाई दे दें. जी बिल्कुल, ऑलरेडी सैलून तो हमारा चल रहा है, और इन फ्यूचर बल्कि विद इन कपल ऑफ फ्यू वीक्स मेरी कुछ प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आएंगी, जिसमें एक ब्यूटी क्रीम है और हेयर ऑयल है और कुछ फीमेल से रिलेटेड कुछ टैबलेट्स हैं जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे. तो इंशाल्लाह उसका आपको फ़ायदा ही होगा, और क्योंकि जब मेघा कोई बात करती है तो वो 100% प्रूफ के साथ करती है, बिकॉज वी नो ब्यूटी. बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, इसी के साथ अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा अपने फेवरेट सुपरस्टार से मिलकर. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरी भी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है. नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सीन ऑन है मेरी जान के अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसानुल्लाह ज़िया को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.